दिवाली का त्यौहार हो और डेकोरेशन सजावट की हम बात ना करें तो बड़ी बेमानी होगी। इस वक्त हम पानीपत के इंसार बाजार में हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि दिवाली पर आपके लिए क्या कुछ खास है, आप अपने घर को, अपने मकान को, अपनी दुकान को कैसे सजा सकते हैं, कितना करें झलोगों में। तो सबसे पहले हम एक मुख्य बाजार की दुकान पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर तरह तरह की चीजें आपको सजावट के तौर पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले दीपों की हम बात करें, दीपावली पर दीप के बिना कुछ नहीं है, तो वैरायटी है यहाँ पर दीपों की। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रंग बिरंगे और फ्लावर में भी यहाँ पर दीप है। उसके बाद हम शुभ लाभ की बात करें तो शुभ लाभ भी है, स्वास्तिक है, तमाम चीज़ें हैं, रंगोली के लिए यहाँ पर कलर भी मौजूद है। और अब हम ऐसे ऐसे आइटम आपको दिखाने वाले हैं जो इस वक्त आपके इस दिवाली को खास बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर जो भी आइटम है वो एक बार दिखाई। देखिए, इस बार जो खास आइटम आए हैं ये सामने झूमर है, झूमर जिस पर भगवान श्री गणेश की भी प्रतिमा आपको दिखाई दे सकती है। तरह तरह के झूमर सामने जो आपकी दिवाली को एक तरह से आकर्षक रंगीन बना सकते हैं। दीपावली का त्यौहार दीपों के बिना अधूरा है, तो हम मार्केट में पहुंचे हैं बाजार के तमाम वो आइटम जो आपकी दीपावली को खास बनाते हैं। तो दीप आप यहां पर देख सकते हैं कितनी वैरायटी यहां पर जो दीप में दी गई है। तो ये सबसे पहले ये आपको दिखाना चाहूँगा, एक मटका शेप में ये दिया है जो आपकी दिवाली को खास बना सकता है। इसके अलावा हम बातचीत करें तो ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती के साथ जो दिए तैयार किए गए, मोमबत्ती तैयार की गई है, कलरफुल है काफ़ी और काफ़ी वैरायटी दी गई है। इसको आप देखिए, मैं कहूँगा कि एक बार क्लोज दिखाए कि कलरफुल है और एक फ्लावर टाइप में दिया है जो काफ़ी आकर्षक भी है, लोग खरीद रहे हैं। इस बार तो बहुत वैरायटी आई हुई है मार्केट में, जिस तरह आप देख रहे हो सबसे बड़ी बात है फ्लोटिंग कैंडल है। अब इन फ्लोटिंग कैंडल की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में, और ये मिट्टी के दिए, अब कई कस्टमर की डिमांड होती है जी हमारे को तो मिट्टी के दिए ही लेने हैं, ये मिट्टी के दिए की बहुत डिमांड आ रही है, फिर मिट्टी के दिए की बहुत डिमांड आ रही है। ठीक है जी, कोई स्वदेशी मांगते हैं, पहले क्या होता था इन चीज़ों में सारे चाइनीज़ आइटम आती थी, अब चाइनीज आइटम आनी बंद हो गई है, अब क्या है सब कुछ इंडियन बन रहा है, और ये आप जितना भी देख रहे हो ये सब इंडियन में है। कोविड के बाद अब खरीदारी का मौका मिला है तो काफ़ी अच्छे जो है कि प्रोडक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज बाज़ारों में हम आए हैं अपने घर की साज सज्जा के लिए सामान हम खरीद रहे हैं, तो काफ़ी उत्साह है हमारे अंदर दिवाली की। जो पिछली बार जो हमें थोड़ा सा रहा महसूस हमने हुई, तो इस बार जो है काफ़ी खरीदारी हम लोग कर रहे हैं। आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा खरीदार लोग मालाएं लेने आ रहे हैं, डेकोरेशन की लटकन लेने आ रहे हैं, फ्लावर्स की लड़ियाँ, फ्लावर्स के झूमर, फ्लावर्स के बिंदनवार, मेरे पास हर आइटम है। लोगों में आजकल बहुत रुझान है चीज़ों को खरीदने का। लोगों जैसे ही कोविड जैसे ख़त्म हुआ है तो लोग, इस बार कोविड नहीं है तो लोग और अच्छे से अच्छी वैरायटी मांग रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी से अपने घर को सजाना है। दीपावली को लेकर किस तरह का उत्साह दिखाई जी? दिवाली देखो साल में एक बार त्यौहार आता है, पिछली बार की बात की जाए, पिछली बार तो आपने देखा कुछ नहीं हो पाया था कोरोना के चक्कर में, लेकिन इस बार थोड़ी खुशी बहुत ज़्यादा है हमें। हम ये सनातन धर्म का हमारा सबसे बड़ा पर्व है, और इसमें अगर हम फिर भी इसमें रेट देखने लग जाए तो फिर त्यौहार कैसे मनाएंगे। तो इस बार तो चलता है जी, बस दिवाली है तो इस बार तो जो खर्चा है होने दो। तो कोरोना के बाद सबसे बड़ा हमारा त्यौहार जो की बार पहुंचा जिसे हम खुशियों के साथ मनाएंगे, दीपावली। तो तमाम सजावट के आइटम हमने पानीपत के इस इंसार बाजार में दिखाए जो आपकी रेंज में है, जो रीजनेबल रेंज में है वो भी दिखाए, लेकिन अब की बार जो दीपावली है वो खुशियों भरी होगी, लेकिन थोड़ी पहली बार पहले दीपावली के मुकाबले थोड़ी महंगी जरूर होगी। अपने सहयोगी पवन शुक्ला के साथ प्रदीप रेडू, खबरें अभी तक पानीपत। ग्राम के सदर बाजार में इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही दिवाली का त्योहार नजदीक आया वैसे ही अब बाजार में जो भीड़ है वो लोगों की पहुंचने लगी है, और बाजार में भी अब दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं। सजावट की दुकान से लेकर दिवाली में तमाम तरह की जो दुकानें हैं वहां पर अब भीड़ देखी जा रही है, लोग खरीदारी करने के लिए अब जो है बाजार का रुख कर रहे हैं। और सदर बाजार क्योंकि गुरुग्राम का सबसे पुराना बाजार है, यहां पर अक्सर भीड़ देखने को मिलती है त्योहारों के समय में, लेकिन कोरोना के बाद कितना फर्क आया त्योहारों में, और क्योंकि लगातार लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी कम हो गई है, ये भी लगातार जो बात है वो सामने आ रही है। जो गुड़गांव कॉमर्शियल हब है,
यहाँ पे आईटी का और का विदेशी कंपनियाँ बहुत सारी है, कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा है। तो जो कॉर्पोरेट की आबादी थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है जी, जो वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो वो बाज़ारों में बहुत कम निकलना पसंद कर रही है। कुछ ऑनलाइन ड्रिवन जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन के कारण क्या है, ग्राहक मार्केट में कम आना चाहता है। कोरोना चल रहा है बट साथ साथ रौनक भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट करके रखा है, फैसिलिटी भी अच्छी है, सुविधा है, मास्क लगा के चलते हैं लोग, बस ये है इतना है जी। हाँ जी, शॉपिंग दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं, खरीदा नहीं बट खरीदेंगे, लेकिन हाँ लग रहा है कि हाँ अच्छा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। दिवाली के त्योहार पर कपड़ों के बाद अधिकतर लोग ज्वेलर्स की शॉपिंग करते हैं। इस वक्त मैं एक ज्वेलरी की शॉप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शॉपिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के बाद जहाँ बाजार में मंदी थी तो अब त्योहार आने पर कहीं ना कहीं एक तेजी जरूर देखने को मिल रही है। राधा ज्वेलर्स पर मौजूद हूँ और प्रवीण गोयल हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, ये बताइए कि कोरोना के बाद लगा जहाँ एक मंदी थी मार्केट में, उम्मीद जताई जा रही थी कि त्योहार आएंगे तो मार्केट में तेजी आएगी, क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल, बाजार में तेजी है जी, काम अब 10-15 दिन से बाजार पूरा तेजी पे। अच्छा, भीड़ की बात करें, लोगों की संख्या की बात करें, अगर कोरोना से पहले की बात करें कि कितने लोग जो है आया करते थे मार्केट में, और आज की हालात देखें तो आज भी क्या उतनी संख्या में लोग आ पा रहे हैं दुकान? 10-15 दिन से तो फुल तेजी पे है मार्केट। पिछली बार हमने देखा कि कोरोना का साया दिवाली पर पड़ा, इस बार देखा कि बाजारों में रौनक है, बाजार गुलजार दिखाई दे रहे हैं। पटाखों को लेकर क्या है, क्या खरीददारी हो रही है, क्या लोग पहुंच रहे हैं? पटाखे जो है ना खुशी के अंदर चलाए जाते हैं, अभी कोविड के चक्कर में इतने परिवारों में पहले ही दुख है तो पटाखे अभी थोड़े से कम है, कस्टमर अभी बिल्कुल नहीं है, 10-15-20% कस्टमर ही चल रहा है। जो कस्टमर 10,000 रुपए का पटाखा लेता था आज वो 2,000 रुपए आ रहा है। पटाखे थोड़े महंगे कॉस्टली भी हुए हैं लास्ट ईयर से, ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन पटाखे नॉर्मल पटाखों से थोड़े से तेज हैं, तो थोड़ा सा असर उसका भी है, कोविड का एक बहुत बड़ा। बाइंग कैपेसिटी कम हुई है? बाइंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 20% 25% ही चल रही है। आप भी दुकान पर आए हो, कहीं ना कहीं दिमाग में है कोरोना का डर अभी भी सता रहा है? थोड़ा बहुत, बाकी ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत है। बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर अभी भी कोरोना का डर जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन त्योहार है दिवाली का, खुशी भी है और लोगों का कहना है कि पूरे एहतियात के साथ इस त्योहार को मनाया जाएगा। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक। दिवाली का त्यौहार देश भर में मनाया जाता है और यमुनानगर में भी इस बार जो है वो बाजार सज चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये यमुनानगर का जो है मेन बाजार है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की दुकानें जो हैं वो सजनी शुरू हो गई हैं। हालांकि जिस प्रकार से 2 साल पहले जो था बाजारों में भीड़ होती थी, वो भीड़ जो है अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो है लोगों का निकलना जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कपड़ों की जो है वो दुकानें लग चुकी हैं, कपड़ों के व्यापारियों ने जो है दुकानदारों ने यहाँ सेल लगा रखी है। ये लगाने के मतलब कहने के बाद है बहुत फायदा है, सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी का हाथ का सामान बना हुआ है। तो ग्राहक आना शुरू हुआ? बस अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, 2 दिन हुए लगाए हुए, अभी कोई खास इतना रेस्पॉन्स है नहीं। पर मामूल क्या मानते हैं, इस बार तो कोरोना का नहीं है? नहीं, फिर भी लोग मनाएंगे त्यौहार तो मनाएंगे हल्का। जो बाजार हैं वो सजने शुरू हो गए हैं और जो ग्राहक हैं वो भी निकल रहे हैं, और अब जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली पर जो है उनकी बिक्री अच्छी हो, क्योंकि पिछले साल जो है कोरोना की महामारी के कारण बाजारों में रौनक नहीं थी, और अब दुकानदार भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बिक्री जो है वो अच्छी हो और इस बार लोगों के लिए दीपावली जो है वो शुभ हो। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी खोल।
दिए जब जलते हैं तो घर को जगमग कर देते हैं, दिवाली नजदीक है, ऐसे में हम अपने घरों के अंदर दियों को जलाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब ये दिए आने लग गए हैं और जो रौनक है वो भी दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको आए हैं एक ऐसे कलाकार के पास जो लंबे वक्त से इन दियों को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 डिज़ाइन के दिए बने हुए हैं, यानी कि उनमें अलग अलग शेप दी गई है, साइज अलग अलग बनाया गया है और ये कई सालों से इसी तरीके से दिए बनाते हैं। करीबन 25 साल तो हो गए हैं जी काम करते हुए। पहले बचपन में हमारे पिताजी जैसे हम काम करते थे तो उनके साथ ही करते उठते थे, अब धीरे धीरे उनके साथ लग के सीख लिया तो कर रहे हैं। अब त्यौहारों वगैरह पे तो थोड़ा ठीक हो जाता है, बाकी आगे पीछे तो फिर कम ही वो होता है, सिर्फ त्यौहार के ऊपर ही लगा हुआ। क्या क्या आइटम आप बनाते हैं? आइटम तो तकरीबन सारी ही बनाते हैं मिट्टी की, जो है जैसे सीजन वाइज होता है। दिवाली का लग रहा है लोग अभी से दिए वगैरह खरीदने लग गए हैं, मूर्तियाँ वगैरह लक्ष्मी गणेश की जा रही हैं, तो हमें लग रहा है कि अब की बार चाइनीज़ की तरफ थोड़ा कम ध्यान है और जो हमारी जो मिट्टी के बर्तन हैं लोग उससे ज़्यादा खरीदना पसंद करें। एक संदेश भी देंगे कि दियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ जी हम सबसे ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भाई हमारे बहुत पुराने घर हैं, यहाँ पे हम 50-60 सालों से बैठे हैं और शुरू से हम यही काम कर रहे हैं कि आप लोग जब लोगे तो जब भी हमारी दिवाली बनेगी, अगर आप नहीं लोगे तो हमारी भी दिवाली कुछ नहीं बनेगी। ये कहना चाहते हैं कि भाई सब लोगों को भी इसको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, मिट्टी के दीवे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हमारी यही वो होती है ख्वाहिश तैयारी, इसीलिए हम मिट्टी की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोग बाग मिट्टी को भी समझें कि भाई हाँ हमारा भी त्यौहार है एक, और लोगों को ये भी होना चाहिए कि हाँ भाई कुम्हार भी अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि नई नई लाइटें आ गई, लोगों को लाइटें ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी चमक भाती है, लेकिन हमारे दिए भी बहुत अच्छी चमक देते हैं। अच्छी तरीके से दियों को सजाया जाए तो इसका भी एक अच्छा गुण है सजाने में, मतलब कि बहुत शुभता को अगर देखा जाए तो दिए से हमें एक एनर्जी आत्म शक्ति मिलती है दिए जलाने के बाद। तो लाइटें जलती थी, अब दिए जलाने चाहिए जो शोभा देते हैं, जो हमारे लोगों को मुनासिब है, जो दिए जलाने जरूरी है। कोरोना महामारी से जूझने के बाद देश जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पहली दिवाली जो है वो बड़े धूमधाम से मना रहा है। और इस बार की दिवाली कितनी खास रहेगी उन लोगों के लिए, उन कामगारों के लिए, उन्हीं कामगारों के यहाँ हम पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के घर पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग दीपावली के त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है वो इनका जो जिस तरीके से कहे जाए कि दीपावली का त्यौहार इनके लिए एक बहुत बड़ी अहमियत जो है वो रखता है और इस दीपावली के त्यौहार पर ये लोग पूरे साल से जो है वो मेहनत करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है इनको कि इस त्यौहार पर जो है वो इन लोगों की ये दीपावली अच्छी बने। तो एक बार हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग देख रहे हैं, किस तरीके से ये लोग जो है वो इस दीपावली को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी, कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? अभी 15-20 साल करीब। अच्छा, पहले और अब इस वाली दिवाली में कितना फर्क देखने को मिल रहा है? अब इसमें तो कुछ नहीं है, इस दिवाली में तो कुछ नहीं है मान लो। कैसे, क्या कारण है, क्या लगता है आपको कि क्यों? बरसात की वजह से। महीनों पहले लोग तैयारी शुरू कर देते, लेकिन अभी की बात करी जाए तो अभी जो है वो इसी तरीके से लगातार ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, लगातार बारिश के कारण जो है वो इनका काम अस्त व्यस्त हो रहा है, जिसके चलते अब इन लोगों को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर साल इनका काम चलता था तो इस साल भी उसी तरीके से जो है वो इनको आमदनी हो इस मेहनत की, जो लगातार जो इतने प्रयास कर रहे हैं ताकि इनके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इनके हालात दिख रहे हैं, इन्होंने साफ कहा है कि हमारा गुजर बसर होना बहुत जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली दीपावली है जो कि लोग खुल करके मना रहे हैं, लेकिन इन लोगों की किस तरीके की दीपावली होगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक।
भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे तो उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई और दिए जलाए। क्या है दिए का इतिहास, क्योंकि जब से दिवाली मन रही है तब से दिए भी उसके साथ जुड़े हैं। हर पूजा अर्चना में उस या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो दिए सबसे पहले काम आते हैं। क्या है दिए का इतिहास और कैसे बनते हैं, आज हम आपको पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिए हैं ये पककर तैयार हैं। इसके बाद इनके ऊपर रंग किया जाएगा, रंग के बाद इनको मार्केट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो कारीगर की मेहनत है वो इनको मिलेगी। उससे पहले मैं दिखाता हूँ, जो आप ये देख रहे हैं ये कच्चे दिए हैं, फिलहाल ये सूखे नहीं हैं, सूखने के लिए धूप में रख दिए गए हैं। किस तरह से जो कारीगर है वो मेहनत करते हैं, जिस तरह भगवान इंसान को बनाने में एक मूर्त का रूप देता है, उसी प्रकार कारीगर भी इसी तरह से अपनी कारीगरी दिखाकर इन दियों को एक जीवंत रूप देता है। ये मतलब जिस तरह बनाता है, कोई थोक में बनाता है, ये थोक में बनाता हो तो मतलब इसमें देखता है 50 रुपये सैकड़ा देता है, और जो बाजार में बेचता है इसको आगे फिर सप्लाई करता है वो 100 रुपये देता है सैकड़ा का। जैसा कि दिए जो है चाक पर बनाए जाते हैं और किस तरह से दिए बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चाक पर कैसे जो दिए हैं वो बन रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे होके वो दिए बन दिखाएं। चाक घूमता है, उसके ऊपर मिट्टी को कारीगर के द्वारा शेप दी जाती है, इसका आकार दिया जाता है और उसके बाद धागे से इस दिए को काट के नीचे उतार लिया जाता है। कारीगर जो है वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और मार्केट में जो दिए है वो भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत बहुत लगती है। मेहनत के अनुसार इनको जो पूंजी है वो नहीं मिल पाती, लेकिन जो पुश्तैनी काम है वो करना पड़ता है। इसके अलावा अगर त्यौहार, जैसा कि पूरे साल में त्यौहार एक बार आता है दिवाली का त्यौहार, और इस दिवाली पे अच्छी इनको उम्मीद है कि अच्छे दिए बिकें और इनके परिवार का जो गुजारा है वो चल सके। कैथल से वीरेंद्रपुरी खबरें अभी तक। दीपावली का अर्थ दीप जलाना ही होता है, वहीं दीपावली के समय एक वर्ग ऐसा भी होता है कि जिसे बहुत ज़्यादा आस दीपावली से ही होती है, क्योंकि 14 साल का वनवास जब राम काट का योद्धा वापिस आए तो उस वर्ग की एक मिट्टी से ही दीप बनाए गए और मिट्टी के उन्हीं दीपों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया था। लेकिन आज की चकाचौंध में हम खुद चाइनीज सामानों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन अपने देश की मिट्टी से लगाव लोगों का कम होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कुम्हार वर्ग की, जो दीपावली के समय आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आस के साथ एक चौक और मिट्टी से ही जो आप देख सकते हैं कि दीप बनाए जा रहे हैं, जो है वो बनाने के लिए वो अपनी मिट्टी के सजाए हुए हैं। उसी के साथ जो है वहाँ पर जो दीपों का काम है वो इनके बगैर अधूरा रहता है, क्योंकि ये देश की मिट्टी है और इसी के सहारे ये अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन कितना बदलाव आया है, कितना क्या रहा है वो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग इन सामान से दूर होकर या जो चाइनीज लड़ियों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आपसे जान लेते हैं सर, अब कितना काम है, पहले कितना था? पहले ज़्यादा था, अब तो बहुत कम हो रहा है। किस आस के साथ चलाते हो आप? हैं? किस आस के साथ चार चलाते हो मिट्टी के बर्तन बनाते हो? भाई कुछ गुजारा हो जा। मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कीमत है ना वो कीमत नहीं मिल पाती। अब भी बाहर का जो चाइना का माल है वो ज़्यादा बिक रहा है, फैंसी आइटम, इस पे ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। तो कुम्हार वर्ग चाहे यंग हो या चाहे पिछले जो बहुत समय हो चुका है तब से ही ये काम कर रहे हैं, और इनका यही कहना है कि सरकार को सिर्फ चुनाव के समय ही इनकी याद आती है।
बहरहाल देखना अब यही होगा कि दोस्त हमारे देश के लोग कितने जागरूक हैं और आज की चकाचौंध और चाइनीज टमटमा को छोड़कर हमारे देश की मिट्टी से बने बर्तनों की ओर कितना लगाव इस दिवाली पर दिखा पाते हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। यूँ तो हमारे देश को विभिन्नताओं में एकता का देश माना जाता है। हर जगह पर अलग रीति रिवाज है, अलग भाषा और बोली है, लेकिन सबसे खास बात यह कि हमारे जो देश है उसमें हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है और इन त्योहारों में सबसे ज़्यादा महत्व है वो है दीपावली का। यानी कि जब श्री राम अपना वनवास काट कर आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और तब से लेकर ये परंपरा जारी है। यानी कि दीपावली के दिन हर कोई अपने घर दिए लगाता है और श्री राम का जो है एक तरह से स्वागत किया जाता है। लेकिन समय कहते हैं बलवान होता है और समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है। इस त्यौहार की परंपराओं में कितना बदलाव आया, खासकर दीयों को लेकर, तो इस समय हम भिवानी के जो दिया मार्केट है वहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के दिए बेचे जा रहे हैं। सिंपल दिए हैं और कई जो है रंगीन दिए, यानी कि उन पर कलाकारी भी की हुई है। सर, समय के साथ बदलाव तो आया है। 2014 से बिक्री थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है ना, उस प्रकार से अब बिक्री में गिरावट है। तो अगर बात करें किस प्रकार के दिए की डिमांड ज़्यादा रहती है, बनावटी, उसमें बनावट का, सिंपल का या डिजाइन वाले दिए? नहीं, जो पारंपरिक है जो दिए तले वही भी ज़्यादा बिकते हैं। हमारा तो वही काम गुजारा ही हो पा रहा है। अब मेहनत ज़्यादा है और इसकी जो है कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का लोग इतना दाम हमें नहीं दे पाते इसकी मेहनत को देखते हुए, क्योंकि सर लोह है, तांबा है, पित्तल है, ठीक है, प्लास्टिक है, सभी चीज़ों का क्या है सर कबाड़ के भावे वो बिक जाते हैं, टूट जाए तो बिक जाएगी। लेकिन हमारा ऐसा है कि अगर ये कुल्ली अगर हादसे पर ऐसे गिर गई, जमीन पर गिर गई, तो इसका कोई बोल भाव नहीं देने वाला सर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने आ गए हैं कि लोग मिट्टी के दीवों को कम पसंद करने लगे हैं। तो फिर आप यहाँ क्या खरीदारी करने आए हैं, क्या संदेश देंगे? हमारी सांस्कृतिक वो ऐसी है कि परंपरा ऐसी है कि कुछ मिट्टी के दिए तो जलाए ही जाते हैं, चाहे हम कितनी लड़ियाँ वगैरह ले आए, फिर भी मिट्टी के दिए तेल की डाल करके जरूर जलाते हैं। तो वो एक, यानी कि जो शगुन के तौर पर एक दो दिया जला जाता है, सिर्फ उसी की खरीदारी होती है? हाँ, केवल परंपरा के लिए ही खरीदारी, दियों की खरीदारी की जाती है। इनका कहना है कि महंगाई की मार जो है ये मिट्टी के दियों की खरीद पर भी पड़ी है और लोग चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ सस्ता खरीदे और मिट्टी के दिए सस्ते में वो खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे में लोग जो है वो चाहकर भी, कुछ लोग जो है वो चाहकर भी मिट्टी के दिए महंगाई के इस दौर में नहीं खरीद पा रहे। और साथ ही इन लोगों का कहना कि अगर सरकार मिट्टी कला बोर्ड पर ध्यान दे, उसको एक्टिव करे और हर गांव में एक जो एक एकड़ जो है इन लोगों को दी जाए, तो कहीं ना कहीं उनका रोजगार ठीक से चल सकता है। वो सस्ते में बनाएंगे तो सस्ते में बेचेंगे और लोग कहीं ना कहीं सस्ते में जो है इन मिट्टी के दियों को खरीदेंगे और पुरानी परंपरा जो है वो लौटेगी और लोगों के घरों में फिर से घी के दिए जलेंगे। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगस, खबरें अभी तक।